लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना धूमधाम से मेला लगा हुआ है। और ऊपर थोड़ा पहाड़ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए पहाड़ से नीचे देखने के बाद किस तरह नज़ारा दिखता है, मतलब बहुत, मतलब कि नज़ारा इसका कुछ अलग ही होता है। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33। दोस्तों आज की ये वीडियो ना ही कोई एजुकेशनल और ना ही कोई मोटिवेशनल होने वाला है, बल्कि आज की ये वीडियो एक ब्लॉग होने वाला है। जो कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि इस चैनल पे एजुकेशनल पर्पस की वीडियो अपलोड होती है, जो कि आज की ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस ना होकर के एक ब्लॉग पर्पस हो रहा है। जो कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि आज के डेट में जितने भी जगह है और जितने भी चीज़ें हैं वो हर एक जगह हर एक चीजें वो YouTube पे प्रमोट हो रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस जगह की भी प्रमोट होनी चाहिए ताकि आप लोग देख सके। देखिए फ्रेंड, ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, अगर अनजान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस पहाड़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये पहाड़ किस जगह से बिलोंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इस जगह का जो वीडियो, तीन वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। देखिए फ्रेंड, ये जो पहाड़ है ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट शंभूगंज प्रखंड में पड़ता है, जो कि इस पहाड़ के अगल बगल जो बस्ती है उस बस्ती का नाम है नगेल, बिशनपुर, लखा, बसबिट्टा और इधर अगल बगल में थोड़ा सा दूर में है खेसर, जो कि मेन रोड पड़ता है। तो वो सारे जगह, सारे बस्ती इसी के एरिए में पड़ते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस जगह पे कभी नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आज का जो डेट है वो शिवरात्रि का मेला लगता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना धूमधाम से मेला लगा हुआ है। और ऊपर थोड़ा पहाड़ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए पहाड़ से नीचे देखने के बाद किस तरह नज़ारा दिखता है, मतलब बहुत, मतलब कि नज़ारा इसका कुछ अलग ही होता है। तो आप लोग जरूर आएँ, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और हर एक जगह का जो वीडियो प्रमोट हो रहा है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि इस जगह का भी वीडियो प्रमोट होना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप इधर देख लीजिए, ये सब पूरा नज़ारा देख लीजिए अच्छा से। आज की ये वीडियो बस इतना ही, अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखे तो उस वाले वीडियो को देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड।